अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक्टर की जिन्हें दर्शक प्यार से संस्कारी बाबूजी बुलाते हैं। एक्टर का नाम बॉलीवुड के फेमस सितारों में शुमार है। इन्होंने हम साथ साथ हैं, विवाह, मैंने प्यार किया जैसे फिल्मों में अधिकतर बाबूजी जैसे किरदार निभाए और दर्शकों को खूब पसंद आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर आलोक नाथ की। आलोक नाथ दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके पिता एक डॉक्टर थे, जिसके चलते वे चाहते थे कि उनका बेटा भी एक डॉक्टर ही बने। हालांकि अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद आलोकनाथ की रुचि अभिनय की तरफ होने लगी और इसी वजह से उन्होंने कॉलेज में रुचिका थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने 3 साल तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई की, कई सालों तक थिएटर भी किया। धीरे धीरे संघर्ष की सीढ़ी चढ़ने लगे। आलोकनाथ बॉलीवुड पहुंचे और फिर संस्कारी बाबूजी बनकर लोगों के दिलों में छा गए। मैंने प्यार किया फिल्म से सलमान खान ने बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। 1989 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इस मूवी में आलोक नाथ ने भाग्यश्री के पिता का रोल निभाया था। हम साथ साथ हैं सूरज बजाते की इस फिल्म में आलोक नाथ ने सलमान खान और सैफ अली खान के पिता की भूमिका निभाई और उसके जरिए उन्होंने अपने सारे फैंस को इस रोल में पूरी तरह इमोशनल कर दिया था। हम आपके हैं कौन फिल्म 1994 में रिलीज हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस मूवी में आलोक नाथ सलमान खान के पिता के रोल में दिखे। इस मूवी में आलोक की एक्टिंग देखकर आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे। बॉलीवुड और छोटे पर्दे दोनों जगह अपनी पहचान बनाने वाले आलोक नाथ ने अपने करियर में 140 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही वे 15 से ज़्यादा टीवी सीरियल में भी नज़र आ चुके हैं। इसके अलावा विनाशक, षड्यंत्र और बोल राधा बोल जैसी कई फिल्मों में इन्होंने खलनायक का रोल भी अदा किया है। हालांकि उन्हें सकारात्मक रोलों में ही पसंद किया गया। ये सोनू की टीटू की स्वीटी और दे दे प्यार दे में कूल दादा और डैड का किरदार भी निभा चुके हैं। अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में ऐसे ही कुछ और किस्सों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनसुने किस्से।